हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और एग्जांपल जो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए के ऊपर है। तो ये हमें ट्रांजिशन टेबल गिवन है, इस ट्रांजिशन टेबल के आधार के ऊपर हमें इसका मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, जो मिनिमम डीएफए इक्विवेलेंट है इसका, वो निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? वही स्टेप्स और जो मैंने बताए थे इसके अंदर, पिछले एग्जांपल्स के अंदर, वही हम अपनों को स्टेप्स फॉलो करने हैं यहाँ पर। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, जीरो इक्विवेलेंस। सो चूंकि मैंने बताया था आपको जीरो इक्विवेलेंस के अंदर हम कुछ और नहीं, जीरो इक्विवेलेंस के अंदर हम मानते हैं कि जो नॉन मतलब फाइनल स्टेट है वो एक ही स्टेट है पूरा पूरा, तो उसको आप एक सेट में रखें। ठीक है, Q1, Q3, Q4, Q5, Q5, Q6 एंड Q7, और दूसरा सेट होगा Q2। अब गाइस यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इक्विवेलेंस, जीरो इक्विवेलेंस में हम ये मान मान के चल रहे हैं कि हमारे पास दो ही स्टेट है, एक तो नॉन फाइनल स्टेट और एक है फाइनल स्टेट। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, दो स्टेट से जो ये हमने लिया है, एक सेट ये लिया है और दूसरा सेट ये लिया है, इन सेट्स के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं वो देखेंगे कि क्या वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं या इक्विवेलेंट है एक दूसरे से या नहीं। अगर वो एक दूसरे के साथ में इक्विवेलेंट है तब तो वो एक सेट के अंदर ही रहेंगे, अगर वो एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट नहीं है तो हम उनके लिए एक डिफरेंट सेट बनाएंगे जिसके अंदर वो अपने आप में एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको और अच्छे से। तो जीरो इक्विवेलेंस हो गया। अब फर्स्ट इक्विवेलेंस के अंदर, फर्स्ट इक्विवेलेंस के अंदर मैं Q0 से स्टार्ट करूंगा आपका। Q0 और Q1 को मैच करके देखूंगा। ठीक है, उनके अंदर कंडीशंस हमारी सिमिलर है या नहीं है, कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंडीशंस कौन कौन सी हैं? कंडीशंस है कि ट्रांजिशन ऑफ ए ऑन इनपुट एक्स, क्या वो फाइनल स्टेट के ऊपर जा रहा है, और वही सेम चीज आपका इसके साथ भी होना चाहिए, बी के साथ भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका रूल है जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये एंड है, या फिर अगर वो फाइनल स्टेट पे नहीं जा रहे तो दोनों ही फाइनल स्टेट पे नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं क्यू नॉट क्यू वन के साथ में कंपेयर करके देखते हैं, क्यू नॉट और क्यू वन। तो देखिए, जीरो डालने पर क्यू नॉट क्यू वन स्टेट पे जा रहा है, वहीं क्यू वन क्यू सिक्स पे जा रहा है। तो क्या क्यू वन और क्यू सिक्स दोनों एक सेट के ही पार्ट है? इसके प्रिसीडिंग इक्विवेलेंस कंडीशन में जाइए आप, और वहां पर जो सेट है उसके अंदर हमें चेक करना है, क्योंकि मैंने बताया भैया ये पूरा सेट एक ही स्टेट है। आप इसको इस तरीके से मान सकते हो, Q1, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7। ठीक है, एक स्टेट ये है और दूसरा स्टेट है आपका Q2। ठीक है, एक जीरो इक्विवेलेंस में। अब फर्स्ट इक्विवेलेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो रेफरेंस कौन रहेगा हमारा? प्रिसीडिंग इक्विवेलेंस, इससे एक पहले वाला। ठीक है, तो वन से एक पहले वाला कौन है? जीरो, ऑफ कोर्स। तो क्यू जीरो के अंदर जब हमने इनपुट दिया जीरो, तो क्यू वन स्टेट के अंदर जा रहा है, क्यू वन स्टेट ऑफ कोर्स इसी स्टेट का पार्ट है, वहीं क्यू सिक्स भी इसी का पार्ट है। तो ओके, जीरो के लिए तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्या वन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है? वन डालने पर क्यू नॉट क्यू फाइव पे जा रहा है, इस स्टेट में जा रहा है, वहीं क्यू टू कौन सी स्टेट में जा रहा है? स्टेट चेंज कर रहा है, क्यू वन क्यू टू के क्यू टू स्टेट में जा रहा है वन डालने के ऊपर। तो इसके लिए हमें एक सेपरेट स्टेट बनाना पड़ेगा क्यू वन के लिए। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, देन अब क्योंकि क्यू नॉट तो इसके अंदर आया नहीं, तो Q1 हो गया। अब हम Q3 की बात करेंगे। ठीक है, तो Q3 किसके साथ में कंपेयर करेंगे? Q0 के साथ में कंपेयर करेंगे, Q0 और Q3। सो Q0
जीरो डालने पर Q1 स्टेट के अंदर है, और वही Q3 Q2 के अंदर है। Q1 और Q2 प्रिसीडिंग जो इक्विवेलेंस कंडीशन है उसके अंदर सेट में एक ही सेट में है Q1 और Q2। क्या एक ही सेट में है? Q1 इस सेट में और Q2 इस सेट में। तो ये भी हमारा जो Q3 है ये यहाँ के अनुसार नहीं बैठ रहा है, ठीक है। फिर बाद में देखते हैं कि Q5 और 1 डालने के बाद में Q5 इसमें तो Q0 के अंदर तो Q5 आ रहा है और Q3 के अंदर Q6 आ रहा है, लेकिन ये एक ही सेट के पार्ट है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं पड़ता। अगर हमारा एक भी कंडीशन डिफरेंट हुई वो उस सेट का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इसको Q1 के साथ में और चेक कर लेते हैं, Q3 को Q1 के साथ में और चेक कर लेते हैं, क्या इसकी कंडीशन दोनों की सेटिस्फाई हो रही है। तो Q1 के अंदर जीरो डालने पर Q6 आ रहा है, वहीं Q3 के अंदर Q2 आ रहा है, ठीक है। वहीं यहाँ पर 1 डालने पर इसके अंदर Q2 और इसके अंदर Q6, तो कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड। तो इसके लिए आपको अलग से एक और बनाना पड़ेगा, Q3 के लिए अलग से बनाना पड़ेगा आपको। ये हमने अलग से बना लिया सेट, ठीक है, हमारा Q3 भी हो गया। अब Q4, Q0 और Q4 को कंपेयर करके देखेंगे। सो Q0 और Q4 जीरो डालने पर यहां पर Q1 आ रहा है और इसके अंदर Q7 आ रहा है। तो Q1 और Q7 एक ही सेट का पार्ट है, Q0 और Q7 एक ही सेट का पार्ट है, ठीक है। तो क्या इसके लिए कंडीशन प्रूफ हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ हो रही है, ठीक है। अब हम 1 डाल के देखते हैं, Q0 और Q4, Q0 और Q4 के अंदर 1 डालने पर Q5 और इसके अंदर भी Q5 आ रहा है, तो यस सेटिस्फाइड, द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो हम इसको यहाँ इस सेट के अंदर अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा Q4 भी हो गया। अब Q5 की बारी, Q0 और Q5। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि भैया क्या मैं Q0 को लूँ या Q4 को लूँ? अब ये समझिए कि यहाँ पर हम एक स्टेट बना रहे हैं, नई स्टेट बना रहे हैं, जिसके अंदर Q0 आ गया है, ठीक है, Q4 भी आ गया है। तो चूंकि ये दोनों एक ही स्टेट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप Q0 लो या Q4 लो, किसी के साथ भी कंपेयर करके देखो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो मैंने Q0 को Q5 को Q0 के साथ में कंपेयर करके देखूंगा, Q5 को Q0 के साथ में कंपेयर करके देख रहा हूँ। जीरो डालने पर इसके अंदर Q1 और इसके अंदर Q2, क्या एक ही सेट का पार्ट है? नहीं, ये डिफरेंट सेट का पार्ट है, तो आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं इसको इसके साथ में Q1 के साथ में कंपेयर करके देखूंगा, क्योंकि चूंकि ये इस सेट का पार्ट नहीं हुआ तो इसको कहीं ना कहीं तो घुसाना पड़ेगा, या तो इसके लिए अलग से सेट बनाना पड़ेगा या जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें से किसी एक सेट के अंदर इसको घुसाना पड़ेगा। तो Q1 के साथ में कंपेयर करके देखते हैं। तो Q1 के साथ में जब हम कंपेयर किए Q5 को, तो जीरो डालने पर इसके अंदर Q6 आ रहा है और इसके अंदर Q2 आ रहा है। तो इसके अंदर Q6 और इसके अंदर Q2, तो ये दोनों ही डिफरेंट सेट है, तो इसके साथ भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हम जाएंगे Q3 के साथ में। तो Q3 के साथ में हमने देखा, हम अब देख रहे हैं Q3 के साथ में, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसे तो और क्लियर हो जाएगा। Q3 के साथ, ठीक है, Q5 और Q3 चेक कर रहे हैं, जीरो डालने पर यहां पर Q2 आ रहा है और यहां पर भी Q2 आ रहा है। वहीं 1 डालने पर यहां पर आ रहा है Q6 और यहां पर भी आ रहा है Q6। तो दिस इज द कंडीशन इज सेटिस्फाइड हियर एंड दिस विल बी अपेंडेड विद दिस सेट। ओके ओके ओके, सो Q5 भी अपना हो गया। अब किसकी बारी? Q6 की बारी। सो Q5 हो गया तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए तो Q6 की बारी है। तो Q6 किससे स्टार्ट करेंगे अपन? Q0 से स्टार्ट करेंगे कंपेयर करना। तो Q6 को ले लो और Q0 को ले लो, इन दोनों कंपेयर करो। जीरो डालने पर इसके अंदर Q1 आ रहा है और इसके अंदर Q6 आ रहा है। तो क्या Q1 और Q6 एक ही सेट के पार्ट है? यस, Q1 और Q6 एक ही सेट के पार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और 1 डालने पर Q5, इसके अंदर तो Q5 आ रहा है और इसके अंदर Q4 आ रहा है। क्या Q5 और Q4 एक सेट के पार्ट है? यस, Q4 और Q5 एक ही सेट के पार्ट है। तो Q6 कहां पर अपेंड होगा? इस सेट के अंदर Q6 को हम अपेंड कर देंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब हम Q3
Q7 जो अपना लास्ट है इस सेट का लास्ट स्टेट है, तो उसके लिए हम कंपेयर करेंगे। तो अब हम Q7 के साथ में कंपेयर करेंगे क्यू नोट को, सबसे पहले क्यू नोट के साथ में कंपेयर करेंगे। तो जीरो डालने पर इसके अंदर Q1 और इसके अंदर Q6 दोनों एक ही सेट के पार्ट है, तो इसके लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। वहीं वन डालने पर इसके अंदर हम हैं फाइव स्टेट के ऊपर Q5 के अंदर, और इसके अंदर जा रहे हैं Q2 के अंदर, जो कि दो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है। तो क्यू नॉट के साथ में कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। फिर हम चेक करेंगे Q1 के साथ में, तो Q1 के साथ में Q7 को कंपेयर किया, जीरो डालने पर यहाँ पर Q6 और यहाँ पर भी Q6, और वन डालने पर यहाँ पर Q2 और यहाँ पर भी Q2। तो दिस इज सेटिस्फाई विद दिस कंडीशन Q1 एंड वी विल अपेंड विद दिस सेट। ओके सो एट लास्ट और कुछ नहीं बचा है, तो हम सभी को क्लोज कर्ली ब्रेसेस लगाकर क्लोज कर देंगे, और ये जो Q2 है इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इसको ऐसे कैसे क्यों छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा एक ही स्टेट है, तो इसको चेंज करने, अब इसके अंदर हम और क्या तोड़ेंगे भैया, एक ही स्टेट है, एक ही स्टेट से ज्यादा और क्यों क्या तोड़ेंगे। लेकिन यहां पर हम और तोड़ रहे हैं, सबसे मिनिमम कंडीशन जो हो सकती है हम उस मिनिमम कंडीशन को लेके चले हैं, फिर धीरे 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 हम मैक्सिमम की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बीच में कोई एक ऐसी ऐसा हमें मिलेगा डायग्राम जो कि मतलब मैक्सिमम मिनिमम होगा, मैक्सिमम मिनिमम मतलब एटमोस्ट मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा मिनिमम रहेगा वो। ठीक है, अब उससे ज्यादा आप मिनिमम ना ही कर सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्विवेलेंस हो गया हमारे पास में। हम आते हैं सेकेंड इक्विवेलेंस के ऊपर, तो मैं सेकेंड इक्विवेलेंस के साथ में जा रहा हूं। सेकेंड इक्विवेलेंस सेम स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, कुछ नया नहीं लेके आना है, कुछ हमारे पास में नया नहीं आएगा, सेम स्टेप्स हमारे पास में फॉलो होंगे। हम चेक करेंगे क्यू नोट को Q4 के साथ में, फिर बाद में Q6 के साथ में, तो सेम मुझे ऐसे ही चेक करना है क्यू नोट और Q4 की कंडीशंस। तो देखिए क्यू नोट और Q4, जीरो डालने पर Q1 और Q7, तो हमारा ये देख पा रहे हैं हम कि Q4 जीरो डालने पर Q1 हमारा कौन सी स्टेट में जा रहा है, ये तो Q1 और Q7। अब चूंकि Q1 और Q7 आप कहोगे कि एक ही स्टेट है Q1 और Q7, हमें इसमें चेक करना है, तो वो एक ही सेट का पार्ट है, तो ओके फॉर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। और वन डालने पर ये दोनों Q5 दे रहे हैं, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है Q4 के लिए। ठीक है, वही Q6, सॉरी अब हमें Q6 के साथ भी चेक करना है, तो Q6 के साथ में और चेक करेंगे। Q6 के साथ में किसको चेक करें, क्यू नोट को भी चेक कर सकता हूँ या Q4 को भी चेक कर सकता हूँ, तो मैं इस बार Q4 के साथ में चेक करके देखता हूँ। तो Q4 और Q6 को चेक करते हैं, तो जीरो डालने पर यहाँ पर तो आ रहा है 7 और यहाँ पर आ रहा है 6, लेकिन 7 और 6 दो अलग अलग सेट के पार्ट है, तो Q6 के लिए हमें अलग से सेट बनाना पड़ेगा Q6। ठीक है, तो इस सेट के अंदर कुछ और बचा नहीं है, तो इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब मैंने Q1 के साथ में कंपेयर करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो सेम स्टेप मेरे को Q1 के साथ में लगाना पड़ेगा, Q1 और Q7 को कंपेयर करूंगा मैं। तो Q1 और Q7 को हमने देखा, तो यहाँ पर जीरो डालने पर इसके अंदर Q6 और इसके अंदर Q6, और वहीं पे वन डालने पर यहाँ पर Q2 यहाँ पर Q2, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं रहेगा, ये सेम रहेगा Q1 और Q7, और वही Q3 और Q5 भी सेम रहेंगे। आप एक बार इसी तरीके से आप करके देखिए, Q3 और Q5 भी सेम रहेंगे, और हमारा Q6 एक अलग जो स्टेट है वो बन जाएगा। अब एट लास्ट हमारा Q2 तो ऐसे का ऐसे रहेगा। अब हम थर्ड इक्विवेलेंस के साथ में जाएंगे, तो आप एक बार अपने से करके देखिए इसे, तो आप देखेंगे कि हमारे पास में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये स्टेट ऐसी की ऐसी ही हमारे पास में आ जाएंगी, इसके अंदर कुछ और नई स्टेट नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, तो जब आपको दो स्टेट एक जैसी आ रही हो, तो आपको वही रुक जाना है। ठीक है, और यही हमारी फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, तो आप इसका इक्विवेलेंस डायग्राम बना ले। इसका इक्विवेलेंस डायग्राम बनाने के लिए मैं इसको यहां, सॉरी मैं यहां से इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, या फिर मैं जूम थोड़ा सा ऊपर ले जाकर यहां पर मैं इसका इक्विवेलेंस डायग्राम बना लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आप देखिए थर्ड इक्विवेलेंस सबसे पहला है अपना, सबसे पहली स्टेट है क्यू नॉट और Q1, ये दोनों एक ही स्टेट है। ठीक है, फिर अपने पास में Q2
क्यू सिक्स, फिर अपने पास में क्यू वन और क्यू सेवन, क्यू वन एंड क्यू सेवन, दिस इज क्यू वन, फिर अपने पास में क्यू थ्री और क्यू फाइव, फिर अपने पास में यहां पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ आपके लिए, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होगे, यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर है अपने पास में क्यू टू, लास्ट अपने पास में क्यू टू। अब आप पूछोगे कि इनकमिंग कौन सा होगा, तो पहले यहां पर देखिए, इस जगह पर देखिए कि इनकमिंग कौन था, ऑफकोर्स हमारा क्यू नोट था, तो जिस स्टेट के अंदर, जिस भी स्टेट के अंदर क्यू नोट है उसको इनकमिंग बना दो, और आउटगोइंग कौन होगा, जिस भी स्टेट के अंदर आपका क्यू टू है उसको आउटगोइंग बना दो, ठीक है। तो हमारे दो इनपुट हैं जीरो और वन। अच्छा तो आप देखिए, जीरो डालने पर क्यू नॉट कहाँ मूव कर रहा है, क्यू वन के ऊपर, लेकिन यहां पर क्यू वन कोई सेपरेट नहीं है, तो क्यू वन कहाँ, किसके अंदर है, क्यू वन और क्यू सेवन दोनों साथ में है, मैं इसको क्यू फोर लिख देता हूँ, क्यू वन और क्यू सेवन साथ में है, तो आप उसको साथ में लिखिए क्यू वन और क्यू सेवन, ठीक है। फिर वन डालने पर ये क्यू फाइव में जा रहा है, क्या क्यू फाइव सेपरेट है, नहीं, ये एक ही स्टेट है, तो क्यू थ्री और क्यू फाइव अब एक ही स्टेट में बना दीजिए। फिर क्यू सिक्स के लिए चेक कीजिए, क्यू सिक्स जीरो डालने पर सिक्स में जा रहा है, क्यू क्यू सिक्स में जा रहा है, तो क्यू सिक्स के लिए तो आप क्यू सिक्स ही लिख दीजिए डायरेक्ट। वहीं वन वन डालने के बाद ये जा रहा है क्यू फोर, तो जो भी क्यू फोर के लिए कंडीशन है, क्यू नॉट और क्यू फोर, वो आप स्टेट है वो लिख दीजिए। इसी तरीके से आप इसकी चेक कीजिए, सेम इसको और इसको रेफरेंस लेकर आपको बनाना है, ठीक है। और ये जाएगा क्यू टू जीरो डालने पर, और ये जाएगा क्यू सिक्स में, और ये जाएगा क्यू नॉट क्यू फोर में, वन डाल, सॉरी थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, तो ये जाएगा आपका क्यू नॉट और क्यू फोर के अंदर, ये जाएगा क्यू टू के अंदर। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए। अब क्या हम इससे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हैं, इसकी मदद से आप बना सकते हो पूरा पूरा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इसका। तो इसका इनकमिंग होगा ऑफ कोर्स क्यू नॉट और क्यू वन, इसका इनकमिंग है, और जीरो डालने पर ये मूव कर रहा है, क्यू फोर है, सॉरी गाइस, ये क्यू फोर है, जीरो डालने पर ये मूव कर रहा है क्यू वन और क्यू सेवन, ठीक है, इस स्टेट के अंदर मूव कर रहा है जीरो डालने पर, ठीक है। वन डालने पर ये मूव कर रहा है क्यू थ्री और क्यू फाइव स्टेट के अंदर, ठीक है। फिर हमारा है क्यू सिक्स, वन डालने पर ये मूव कर रहा है, अब हम इन दोनों के लिए बना लेते हैं, क्यू वन और क्यू सेवन, जीरो डालने पर क्यू सिक्स की तरफ मूव कर रहा है, तो मैं यहाँ पर एक क्यू सिक्स बना लेता हूँ, तो ये जीरो डालने पर यहाँ मूव कर रहा है, और वहीं ये वन डालने पर क्यू टू स्टेट के ऊपर मूव कर रहा है, तो मैं यहाँ क्यू टू स्टेट, एक और स्टेट बना लेता हूँ, क्यू टू, इस जगह पर क्यू टू स्टेट बना लिया मैंने, तो ये वन डालने के ऊपर यहाँ मूव कर रहा है आपका, ठीक है। वहीं आपका ये वाला स्टेट क्यू थ्री और क्यू फाइव, क्यू थ्री और क्यू फाइव, जीरो डालने पर क्यू टू मूव कर रहा है, मैं यहाँ से यहाँ ये जीरो डालने पर, और वन डालने पर ये क्यू सिक्स के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। वहीं अपना क्यू सिक्स है, जीरो डालने पर तो ये सेल्फ लूप बना रहा है, और वहीं वन डालने के ऊपर ये मूव कर रहा है क्यू नॉट क्यू फोर, ठीक है। क्यू टू अपना जीरो डालने के बाद में मूव कर रहा है क्यू नॉट क्यू फोर स्टेट के ऊपर, और वन डालने पर सेल्फ लूप है, तो ये हो गया इसका स्टेट डायग्राम। सो दिस इज अ मिनिमाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन।
हमें जो क्वेश्चन मिला था उसका मिनिमाइजेशन यही हो सकता है। तो हमने सबसे जो लीस्ट मिनिमम था वो ये था, जीरो इक्विवेलेंस था। लेकिन ये मतलब धीरे 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 एटमोस्ट इक्विवेलेंस कब बना, जब हम सेकेंड इक्विवेलेंस के ऊपर पहुंचे। तो इसी तरीके से हम इसके अंदर मूव करते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।